आज जो देश के हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, कांग्रेस ने अगर सही रास्ता अपनाया होता तो बीजेपी देश में नहीं होती। तो आदरणीय अगर ममता जी ने ये कहा है तो मैं समझता हूँ ठीक ही कहा है, उन्होंने कुछ सोच समझ के ही कहा होगा। बीजेपी की हमेशा कोशिश ये रहती है कि उसके सामने कोई स्ट्रॉन्ग अपोजिशन न दिखाई दे, और अगर आप पूरा रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे, अगर कांग्रेस कमज़ोर न होती, कांग्रेस कमज़ोर न होती तो आज देश में बीजेपी न होती, और कई कांग्रेस की बुराइयों की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी देश में दिखाई दे रही है। उदाहरण के लिए मैं कह सकता हूँ CBI, ED, इनकम टैक्स, ये कांग्रेस एक ज़माने में अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स के खिलाफ जांच करती थी, उनके जेल भेजती थी या उनके खिलाफ कार्रवाई करती, उसी रास्ते पे तो आज बीजेपी है। देश हमारा गरीब किसान का है, जो किसान को सुविधा कांग्रेस ने नहीं दी जिसके कारण हमारा किसान बर्बाद हो गया, उसी रास्ते पे तो बीजेपी है आज। तो क्या फ़र्क है बीजेपी और कांग्रेस में? तो आदरणीय अगर ममता जी ने ये कहा है तो मैं समझता हूँ ठीक ही कहा है, उन्होंने कुछ सोच समझ के ही कहा होगा। तो कह रहा है कि नेता बनाया है राहुल गांधी को बीजेपी ने, ताकि कार्रवाई जो पार्लियामेंट का वो ना हो पाए। कांग्रेस के साथ भी आपने काम किया है, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ऑपोजिशन के लिए एक वीकनेस बन गया है? नहीं नहीं, देखिए क्योंकि कई बार समय होता है ऐसा, इस समय कई प्रदेशों में कई जगह पर कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण ही बीजेपी दिखाई दे रही है, और कई बड़े संकट देश के सामने अगर हम पीछे मुड़ कर के देखें तो वो कांग्रेस की वजह से हैं। अगर उस समय कांग्रेस का रास्ता ठीक होता और कांग्रेस के फैसले ठीक होते तो शायद आज भारतीय जनता पार्टी देश में न दिखाई देती। गुजरात जैसे प्रदेश है जहाँ से बीजेपी सबसे मजबूत दिखाई देती है, वहाँ समाजवादी पार्टी नहीं है और दल नहीं है, रीजनल फोर्सेस नहीं है। आखिर क्या कारण है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं? सर क्या मानते हैं कि राहुल गांधी जो है नेता, उनको बीजेपी ने बनाया, ममता जी का ये बयान, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? उन्हें कांग्रेस को बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। देश में अगर बीजेपी हटाना चाहते हैं तो रीजनल फोर्सेस तो हैं जो लड़ रहे हैं, कांग्रेस कहाँ लड़ रही है? सर राहुल गांधी को क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं उनके साथ काम किया हूँ, मुझे कोई सलाह नहीं देनी है। वो इतनी बड़ी पार्टी है, उसमें इतने बड़े लोग हैं, मैं क्या सलाह दे सकता हूँ उस पार्टी को? लेकिन आज जो देश के हालात हैं, जो परिस्थितियाँ हैं, कांग्रेस ने अगर सही रास्ता अपनाया होता तो बीजेपी देश में नहीं होती।